हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ गोल्डी और आप सभी का अपने किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपने किचन में क्रिस्पी डोसा बनाएंगे। इस डोसे को बनाने के लिए ना तो किसी चीज को पीसने की जरूरत पड़ेगी और ना ही भिगोने की, फिर भी ये डोसा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर हमेशा की तरह ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए और अपने एक्सपीरियंस कॉमेंट में जरूर शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो बगल में छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए हमने एक बोल ले लिया है और इस बोल में हम एक कप गेहूं का आटा डालेंगे, जो कि नॉर्मली रोटी बनाने के लिए यूज किया जाता है। लगभग 125 ग्राम हमने गेहूं का आटा लिया है तो हम इस बोल में इसे ऐड कर देंगे। गेहूं का आटा ऐड कर देने के बाद हम इसमें 1/4 कप सूजी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे या स्वाद के अनुसार। नमक डाल देने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालने से डोसा का जो कलर है काफी अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें पीसी हुई चीनी ऐड कर रहे हैं। और अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका एकदम अच्छा सा घोल बनाना है। घोल बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी और आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। जब भी आप बैटर बनाइए आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके ही उसमें पानी डालिए। अगर आप उसमें एक ही बार सारा पानी डाल देंगे तो बैटर में लम्स रह जाएंगे। इसके लिए आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए, जिससे कि बैटर एकदम अच्छा बनेगा और उसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी मिक्सचर काफी ड्राई है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक स्मूथ बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर को मिक्स करते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अभी भी इसे मिक्स करना बाकी है, तो हम इसे मिक्स करने के लिए दूसरे स्पैचुला का यूज करेंगे और इससे एकदम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बैटर एकदम अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। इतने से बैटर को तैयार करने के लिए लगभग 2 कप पानी की जरूरत पड़ी थी और बैटर एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। तो इस बैटर में हम इसका मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। हम इसमें फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो ऐड करेंगे। इनो डालने से बहुत ही अच्छे से ये बन करके तैयार होता है और इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए इनो का यूज किया जाता है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसके रिप्लेसमेंट में बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस पैकेट को पूरा ऐड कर देंगे इस बैटर में और हम फिर से इस बैटर को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, बैटर एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे क्रिस्पी डोसा बना करके तैयार कर लेंगे। डोसा तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक नॉनस्टिक तवा ले लिया है और आप देख सकते हैं कि तवा एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस गर्म तवे पर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। आप चाहें तो ऑयल या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस घी को हम किसी भी कॉटन कपड़े से पोंछ लेंगे। आप चाहें तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तवे को पोंछने के लिए। अगर आपने तवे को बहुत ज्यादा गर्म कर लिया है तो आप उस पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दीजिए और आप उसे फिर से एकदम अच्छे से पोंछ लीजिए। तो इस गर्म तवे पे हम डोसा का बैटर डाल देंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए उसे एकदम पतला फैला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे किस तरीके से घुमा रही हूँ। इस स्टेज पे हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो डोसा जल जाएगा, इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं कि डोसा ऊपर से एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो हम इसके ऊपर ऑयल या फिर घी स्प्रेड कर देंगे। अगर आप इसे गीले बैटर में ही ऑयल या फिर घी स्प्रेड कर देंगे तो डोसा उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा जितना कि आप ड्राई में अगर आप डालेंगे तो बनता है। तो इसलिए इन बातों का भी आप ध्यान रखिए डोसा बनाते समय। हम इस डोसे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही नीचे से क्रिस्पी हो जाएगा और साइड से छोड़ देंगे तब हम इसे चेक करेंगे।
डोसा एकदम अच्छे से बनकर के तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कलर इसका बहुत ही अच्छा आया है, चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिका भी है और साइड से इसने छोड़ भी दिया है। तो आइए मैं इसे पलट करके दिखाती हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है, काफी क्रिस्पी बने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हमने इसे आटे से बनाया है ये क्रिस्पी डोसा। तो हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और मैं इस डोसा की क्रिस्पनेस भी बताऊंगी और इसे एकदम क्लोजली दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है, काफी क्रिस्पी बने हैं। मैं इसकी क्रिस्पनेस आपको चेक करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आटे से भी बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनकर के तैयार होता है। तो आज ही आप इसे अपने घर पे तैयार करिए। अब ना तो भिगोने की झंझट और ना ही इसे पीसने की, झटपट डोसा बना करके आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप अपने इसे डाइट चार्ट में भी शामिल कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं और जब भी भूख लगे आप इसे झटपट बना करके तैयार भी कर सकते हैं। और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है तो बगल में एक छोटी सी घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स।